आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा, और उसके साथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये सीधी तस्वीर। स्वाभाविक रूप से हम लोग भी जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं, आप सब लोग भी जान रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी अवश्य होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल होंगे। अब इसको परीक्षा फल में घपला कहना, झोल कहना, वो अगर ऐसा कोई अगर इसको समझता है या बोलता है या मानता है तो मुझे लगता है कि यहाँ उनको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे उनका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा। ऐसा जो हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये सशर्त है, तो इसमें घपला को इसको कहना कि ऐसे घपलेबाज अभ्यर्थी शामिल हो गए, ये घपला कहना तो बेबुनियाद है, निराधार है, गलत मंशा है। हम लोग यही प्रक्रिया टीआरई 2 में भी हम लोग करेंगे, मतलब कि टीआरई 2 में हम लोग फिर से सशर्त ही रिजल्ट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर ही हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों को छांटेंगे जो घपलेबाज हैं। अब अगर आगे भी अगर इसको अगर कोई ऐसे परीक्षा फल जो सशर्त है इसको घपला ही बोले अगर, तो मैं फिर और उसके लिए फिर मैं तो सिर्फ क्षमा ही मांग सकता हूं।